हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज फैशन विद चेतना। और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नायका सो मैट मिनी लिपस्टिक्स स्वेचेस। सो गाइस, नायका ने अभी हाल ही में जो है सो मैट लिपस्टिक की जो मिनी साइज है लाइक दिस वो लॉन्च किया है, तो मैं उसी के बारे में आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ। वो कैसा है, उसकी प्राइस एंड कितना ग्राम प्रोडक्ट जो है आपको उसके अंदर मिलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कंपेरिजन शो करूँगी। पहले वाली जो लिपस्टिक थी उसका प्राइस था 399 रुपीज़ और उसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिलता था 4.2 ग्राम। और अभी जो लिपस्टिक लॉन्च करी है इसका प्राइस है 199 रुपीज़ और इसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिलता है 1.5 ग्राम। ये लिपस्टिक जो है बेसिकली उन लोगों के लिए लॉन्च हुई है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। ये लिपस्टिक जो है इसका प्राइस अभी 199 रुपीज़ है, बहुत ही अफोर्डेबल है। पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है, ये मिनी है तो ऑब्वियसली इसका थोड़ा स्लिम पैकेजिंग है, इसकी थोड़ी विड्थ और हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, इससे स्मॉल टाइप है, एकदम सेम पैकेजिंग है। और बुलेट मैग्नेटिक साइड का नहीं है, इसमें ऑटोमेटिकली आपको प्रेस करके बंद करना पड़ता है। इस टाइप से इसका बुलेट आता है, पॉइंटेड है, जैसा कि लास्ट वाली लिपस्टिक में पॉइंटेड था उसी टाइप से है। और अगर इनकी मैट की बात करूँ, मैट फिनिशिंग जो है वो पहले वाली लिपस्टिक की और अभी वाली मिनी लिपस्टिक की एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस जो है बहुत ही अफोर्डेबल है, 199 रुपीज़। और इसमें जो आपको 1.5 ग्राम मिलता है, अगर फिनिश हो भी जाती है तो आप न्यू लिपस्टिक परचेस कर सकते हो और एक अफोर्डेबल प्राइस में आप डिफरेंट काइंड ऑफ शेड जो है अपने पास रख सकते हो। तो मुझे बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा है इसका ये। तो मैं आपको इस लिपस्टिक के बारे में बताना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हो नायका सो मैट लिपस्टिक ट्राई करने का, तो बेशक आप मिनी लिपस्टिक ट्राई करें। अभी जो है नायका सो मैट लिपस्टिक के ऑलमोस्ट 50 शेड मार्केट में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट नायका वेबसाइट पर अवेलेबल है। बट जो मिनी लिपस्टिक है उसके ओनली 10 शेड जो है इन्होंने लॉन्च की हैं। बट आई थिंक मे बी 2 or 3 months के बाद ये शायद इसके सारे शेड आपको अवेलेबल करवा देंगे वेबसाइट पे। तो अभी जितने भी शेड इसके मिले हैं उसमें से डार्क शेड जो है वो काफ़ी अच्छे और लाइट शेड जो है वो मुझे ठीक ही लगे। अगर आप ट्राई करने का सोच रहे हैं तो आप मिनी लिपस्टिक ट्राई कीजिए, इसमें आप जो डार्क शेड है वही ट्राई कीजिए। अगर आपने नायका सो मैट बिग वाली जो लिपस्टिक है अगर आपने वो ट्राई नहीं करी और मिनी ट्राई करने का सोच रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप सारे जितने भी डार्क कलर शेड हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। अभी मैंने जो नायका के 3 शेड पिक किए हैं वो जो पहले मेरे पास नायका सो मैट लिपस्टिक के शेड जो थे उनसे थोड़े डिफरेंट शेड जो है मैंने चूज़ किए हैं। सबसे पहला मेरा शेड है सिनेमोन क्रंच, जो कि अभी मैंने अप्लाई कर रखा है। सेकेंड शेड मैंने पिक किया है कैनबरी सांग्रिया, और थर्ड शेड जो मैंने पिक किया है वो है स्कैरलेट सिरिन। तो स्कैरलेट सिरिन जो वो थोड़ा ऑरेंजिश रेड कलर है, और जो सिनेमोन क्रंच है वो एकदम न्यूट कलर है, आपको मेरे लिप्स पर दिख रहा होगा। और सबसे फेवरेट शेड जो मुझे लगा है वो है कैनबरी सांग्रिया, दैट इज़ बर्ली रेड कलर, इतना ब्यूटीफुल रेड कलर है ये कि आप फेस्टिवल सीजन के टाइम पे या कोई भी पार्टी वार्टी में जाते हो तो आप लोग उस शेड को अप्लाई करके जाओगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। वो मीडियम टू फेयर स्किन टोन वालों के लिए है। न्यूट कलर आप देख रहे हो कितना न्यूट कलर है। तो मैं अभी आपको इन सारी लिपस्टिक के स्वैच दिखाती हूँ कि ये लिपस्टिक कैसी दिखती है।
सो गाइस, ये था मेरा लिपस्टिक के स्वेचेस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और अगर आपको इस टाइप के लेटेस्ट लिपस्टिक के और भी वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि जिनको भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट परचेस करने हैं या अफोर्डेबल लिपस्टिक परचेस करने का सोच रहे हैं तो वो मेरे वीडियो देख के जो है अफोर्डेबल प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं मेकअप के अंदर। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय।